टुके की लाइफ जो है ना, अगर बात की जाए अगर उसकी बिजनेस वगैरह या किसी जॉब वगैरह की, तो वहाँ इजीली आपको जॉब मिल सकती है, कोई भी बहुत मुश्किल है इस यूके की लाइफ। मुझे जो मालूम है, जो मैं देखता रहता हूँ अक्सर वीडियो ब्लॉग रूम, एक बात है कि आपको रूल जो है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ हज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर जितने भी बिना भाई हमारे चैनल पर नए हैं, लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक यूज़र हैं तो वीडियो शेयर कर दें। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आपने देखा होगा थंबनेल भी कि यूके की लाइफ किसी यूके की लाइफ किस तरीके की है, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। कि वेदर की बात की जाए ना, वहाँ के मौसम की, तो मौसम यूके का हर वक्त जो है ना सर्दी रहता है। वह अभी भी बर्फ़बारी वहाँ पर हुई है और ज़्यादातर बारिशें ही रहती हैं वहाँ। सनलाइट जो है ना किसी किसी दिन जो है ना आसमान पर आता है, लेकिन जो है ना ज़्यादातर वेदर जो है ना वहाँ का बर्फ़बारी। अभी सर्दियाँ शुरू हैं तो ज़्यादातर बर्फ़बारी वगैरह के केस ज़्यादा हैं, इसलिए तो अगर आप वहाँ की बिज़नेस वगैरह या किसी काम करना या किसी जॉब करने की तलाश में हो ना, तो इजीली मिल सकती है वहाँ पर। जो है ना उसकी जो है ना किसी शॉप में आप काम इजीली कर सकते हो, छोटी हो या बड़ी हो। तो अपने अपने घर वालों के लिए जो पाकिस्तान हैं उनके लिए पैसे बेच सकते हो इजीली वहाँ पर। क्या है कि वहाँ की जो है ना करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ के आप बात करें ना तो एक डॉलर जो है ना 286.85 रुपये आजकल एक डॉलर की कीमत है। तो नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अगर बात की जाए ना वहाँ के किसी भी आप छोटे से अगर किसी छोटे शॉप में काम करते हैं ना, तो वहाँ की मंथली आप पेमेंट अगर निकालें ना, तो अपने खर्चे अफोर्ड करके एक आदमी अपना अपना सब कुछ अफोर्ड करके आप रहना और घर लेना, वहाँ के किराए, वहाँ के बिजली जो कुछ भी है ना, तो वहाँ के अफोर्ड करके आप तो इजीली घर वालों के लिए बेच सकते हैं और इजीली आप बेच सकते हैं घर वालों के लिए। तो बस मेरा यही है कि अपना वतन अपना होता है पाकिस्तान या कश्मीर। तो बाकी कोई भी हो, किसी भी कंट्री से तल्लक रखने वाला हो ना, उसको अपना वतन अपना ही लगता है। मैंने जो सीखा यूट्यूब से, जो कुछ ब्लॉगर जो बता रहे हैं लाइफ किस तरीके की है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि यूके की लाइफ इंतहाई मुश्किल है। किस तरीके की है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। अगर कोई भी बात जो रह गई हो या जो सच है वो कमेंट लाजमी करना। जो यूके में रह रहे हैं लोग, किसी भी ममालिक जी किसी भी कंट्री से मुझे देख रहे हो, वो लाजमी शेयर करना कि लाइफ किस तरीके की है वहाँ की। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके की लाइफ है। इंतहाई मुश्किल है लाइफ वहाँ। पहली जो बात है कि वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो पुलिस है, ज़्यादातर जो शिकायत है ना वो चोरी की है। चोरी यहाँ से बना जो जाता है ना, तो पाकिस्तान से, तो वो यही समझता है कि बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा एक तरीके की। लेकिन मुश्किल किसी भी ममालिक में मुश्किल तो होती है, लेकिन यूके की लाइफ जो है ना बहुत मुश्किल है। इसमें आगे चल के वजात करता हूँ। बाकी आप जो इतने भी बिना भाई हमारे चैनल पर नए हैं, लाजमी सब्सक्राइब कर दें, तो अगर फेसबुक यूज़र हैं तो वीडियो शेयर कर दें। आज का व्लॉग कुछ इस तरीके का है ना कि यूके की लाइफ, मुझे जो मालूम है, जो मैं देखता रहता हूँ अक्सर वीडियो ब्लॉगरों की, अदरीस आज़म यूट्यूबर और बाकी काफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर जो फैमिली गई हुई हैं यूके में, सेटल हैं, बाकी उनके भी ब्लॉग देखता रहता हूँ। लेकिन वहाँ की जो ज़िंदगी है ना इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी, क्योंकि जो है ना वहाँ रहने के लिए अपना घर, फिर जो है ना उसके किराए देने पड़ते हैं। लेकिन जो है ना वहाँ एक बात है
कि आपको रूल जो है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो लिंक रोड है चाहे वो बड़ी रोड है। ठीक हो गया। यहाँ पाकिस्तान में ये कि रूल जो है ना, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, रूल कोई नहीं है। वहाँ एक बात ये है कि रूल जितने भी ममालिक जो बैरून मुल्क, जो सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, जितने भी हैं, उनके जो है ना रूल जो है ना बहुत सख्त हैं। बाकी कि वेदर की बात की जाए ना, वहाँ के मौसम की, तो मौसम यूके का हर वक्त जो है ना सर्दी रहता है। वह अभी भी बर्फ़बारी वहाँ पर हुई है और ज़्यादातर बारिशें ही रहती हैं वहाँ। सनलाइट जो है ना किसी किसी दिन जो है ना आसमान पर आता है, लेकिन जो है ना ज़्यादातर वेदर जो है ना वहाँ का बर्फ़बारी। अभी सर्दियाँ शुरू हैं तो ज़्यादातर बर्फ़बारी वगैरह के केस ज़्यादा हैं। इसलिए तो अगर आप वहाँ की बिज़नेस वगैरह या किसी काम करना या किसी जॉब करने की तलाश में हो ना, तो इजीली मिल सकती है वहाँ पर। जो है ना उसकी जो है ना किसी शॉप में आप काम इजीली कर सकते हो, छोटी हो या बड़ी हो। तो अपने अपने घर वालों के लिए जो पाकिस्तान हैं उनके लिए पैसे बेच सकते हो इजीली वहाँ पर। क्या है कि वहाँ की जो है ना करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ के आप बात करें ना तो एक डॉलर जो है ना 286 रुपये आजकल एक डॉलर की कीमत है। तो नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अगर बात की जाए ना वहाँ के किसी भी आप छोटे से, अगर किसी छोटे शॉप में काम करते हैं ना, तो वहाँ की मंथली आप पेमेंट अगर निकालें ना, तो अपने खर्चे अफोर्ड करके एक आदमी अपना अपना सब कुछ अफोर्ड करके आप रहना और घर लेना, वहाँ के किराए, वहाँ के बिजली जो कुछ भी है ना, तो वहाँ के अफोर्ड करके आप तो इजीली घर वालों के लिए बेच सकते हैं, और इजीली आप बेच सकते हैं घर वालों के लिए। तो बाकी आप अगर जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जाएं। तो फिर एक पैगाम मेरा यही है कि अपना वतन अपना होता है, पाकिस्तान या कश्मीर। तो बाकी कोई भी हो, किसी भी कंट्री से तल्लक़ रखने वाला हो ना, उसको अपना वतन अपना ही लगता है। बाकी दुआओं में हमें लाजमी याद रखें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें अमर स्क्वाड, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बाकी हमें दें इजाज़त, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में और ख़ूबसूरत व्लॉग आपकी खिदमत में लेके फिर हाज़िर हो जाएंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़।